आज मालवा के इस दरबार में आज तक की सबसे विषम परिस्थिति अपने तीखे और तलक अंदाज के साथ बेबाक होकर खड़ी हम सबको चुनौती दे रही है, क्योंकि आज यहां दो विचारों का टकराव है। और सबसे आश्चर्य वाली बात यह है, यूं कहें विचित्र है, कि हम स्वयं यहां किसी एक पक्ष के साथ हैं। इसलिए बहुमत से निर्णय लिया जाएगा। हम चाहते हैं कि हम और मालवा श्रीमंत राघोभा का साथ दें, उनकी सहायता करें, जिससे ये पुनः की गद्दी पर आधिकारिक रूप से अपना अधिकार स्थापित कर सके। तो दूसरी तरफ मालवा की छोटी रानी का अहिल्याबाई होलकर का मानना है कि ये अनैतिक है। इनके विचार से हमें श्रीमंत राघोभा की सहायता नहीं करनी चाहिए, अपितु पेशवा माधोराव का वफादार बने रहना चाहिए। ठीक। जी। याद रहे कि वफादारी भी सापेक्ष होती है। अब तक की हमारी बिना शर्त वफादारी का परिणाम यह है कि हमसे मालवा की सुबेदारी वापस लेने का आदेश आधिकारिक रूप में प्राप्त हो चुका है। हम सत्ता के लोभी नहीं है, ना सेवा की है हमने मालवा की, उसके संसाधनों को भोगा नहीं है। अभी इसी वक्त गद्दी का त्याग कर सकते हैं, लेकिन जानते हैं, भली भांति जानते हैं कि ऐसा करने से मालवा का नुकसान होगा। इसीलिए बहुमत से इस बात का निर्णय लिया जाएगा कि दरबार में उपस्थित अधिकतम लोग किस तरफ अपनी सहमति दिखाते हैं। शांत हो जाइए। इस बात का स्मरण रहे कि मौनम सर्वार्थ साधनम। मौन निर्णायक साबित होता है, मौन मतदान ही होगा जो हमारे यानी श्रीमंत राघोभा को पेशवा बनाने के पक्ष में है। कृपया अपने हाथ उठाएं।
हमें लगता है कि इस मामले को निजी हित, निजी सोच और निजी विश्वास से ऊपर उठकर सोचना होगा। पर क्यों सोचना होगा? इसीलिए क्योंकि मालवा की गद्दी और मालवा की प्रजा को जिस अपनेपन से अपनाया है, जिस प्रेम से उसे सींचा है, विचलित से विचलित अवस्था में भी अपने कर्तव्य के साथ उसे संभाला है, संतुलित किया है, वैसा और कोई नहीं कर सकता। राजकुमार जी, क्या हुआ? पड़ो! इतने गुस्से में क्यों हैं आप? दरबार में कुछ हुआ? कुछ? क्या कुछ नहीं हुआ है हमारे साथ? और अगर हम कुछ करना भी चाहें ना, तो भी सबको परेशानी होती है हमसे। कोई नहीं चाहता है कि हम आगे बढ़े, कोई मौका नहीं देना चाहता है हमें। और हम जब खुद के लिए मौका ढूंढते हैं ना, तभी भी लोगों को हमसे परेशानी होती है। अपने लिए हम कुछ भी कर ले, लोगों को खुशी मिलती है। हमें नीचा दिखाने में, चिढ़ाने में, कोई भी ये बताने से जरा भी नहीं चुकता है कि आई साहब के बगैर हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। हम तो कठपुतली अपनी आई साहब की कठपुतली। और आज आज हमें मौका मिला था कि हम दरबार में साबित कर सके, बस हमें श्रीमंत राकोबा का साथ देना था और हमने वही किया। पर आई साहब को उसमें भी दिक्कत हो गई, क्योंकि वो चाहती थी कि हम उनको छोड़कर कहीं पे भी ना जाए, उनकी कठपुतली बनकर खड़े रहे। जहां भी जाए, वो जैसा कहे, जो भी करने के लिए कहे, हम बस वही करें। लेकिन लेकिन हुआ क्या है? दरबार में हमने श्रीमंत राघोबा के प्रस्ताव का समर्थन क्या कर दिया, आई साहब को हमसे भी तकलीफ हो गई। उन्हें लगा कि ये क्या हो गया, मेरा पुत्र स्वावलंबी हो गया, आत्मनिर्भर हो गया, अब हमारी बात तो सुनेगा नहीं। पर हाँ, अब हम स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनकर दिखाएंगे, होकर दिखाएंगे। बस बस अब हम नहीं रह सकते आई साहब की छाया के तले। ये सब आप क्या बोले जा रहे हैं राजकुमार जी? आप सासुबाई साहब को गलत समझ रहे हैं। भला वो आपके बारे में बुरा क्यों सोचेंगी? देखिए, आज अगर वो आपको श्रीमंत राघोबा का प्रस्ताव स्वीकार करने से मना कर रही हैं, तो यकीनन इसके पीछे कोई ना कोई वजह तो जरूर होगी। एक बार उनकी बात समझ के तो देखिए, समझने की कोशिश तो कीजिए। इतिहास साक्षी है, जब जब हमने सासुबाई साहब की बात नहीं मानी, हमेशा हमारा नुकसान हुआ है। इसीलिए आज भी हम आपसे विनती कर रहे हैं राजकुमार जी, सासुबाई साहब की बात मान लीजिए। वाह मैना, वाह! एक बात बताए, ये बोल तुम रही हो और ये शब्द आई साहब के है। आज ये बात तुमने साबित करी थी मैना, कि तुम आई साहब की पुत्रवधु पहले और हमारी पत्नी बाद में। तुम कभी नहीं समझोगी, कभी भी नहीं। सुनिए राजकुमार जी, आप हमें गलत समझ रहे हैं, हमारा ऐसा मतलब नहीं था। छोड़ छोड़ मेरे बेटे को, देख क्या रहा है, छीन ले बच्चा। ए, मेरा बच्चा दे, बच्चा दे, मुझसे मत छीना, बच्चा दे, मेरा बच्चा, बच्चा दे, मेरा पोता है वो, छोड़ छोड़ कह रही हूँ ना, दे बच्चा दे, मेरा बच्चा मत छीना, दे छोड़ कह रही हूँ ना, रुको। ए लड़की, ये हमारा आपस का मामला, यहाँ से निकल वरना। वरना क्या कर लोगे? आपस का मामला कह रहे हो और बच्चे पर जुल्म कर रहे हो, बच्चे को माँ से अलग कर रहे हो। छोड़ दो इसे, वरना मैं राज दरबार में शिकायत लेके जाऊंगी।
अच्छा तो यहाँ क्यों खड़ी हो? जाओ, जहाँ शिकायत लगानी है वहाँ जाके लगाओ। निकलो यहाँ से। बड़ी आई मुझे धमकाने वाली। तू क्या देख रहा है? लेके जा इसे अंदर। और नहीं मानी ना तो बच्चा छीन लेना इससे। चल 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 अंदर चल। ये हमारे घर का मामला है, इसमें किसी को भी बोलने की कोई जरूरत नहीं है, समझे? खड़े खड़े देख क्या रहे हो? निकलो यहाँ से। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.